मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री और कसरावाद विधायक सचिन यादव ने शुक्रवार को शिव भक्ति और मातृपितृ भक्ति के साथ अपने गृह ग्राम बोराओ से 3 दिन की आस्था यात्रा प्रारंभ की। यादव ने प्रातः राधा कृष्ण मंदिर में पहुंचकर भगवान श्री गणेश और शिव का पूजन कर अभिषेक किया। उन्होंने मंदिर में सभी देवी देवताओं का भी पूजन किया। इसके साथ ही अपने पिता स्वर्गीय सुभाष यादव के फोटो के समक्ष शीश नवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सचिन यादव के चरण स्पर्श करने पर उनकी माता श्री श्रीमती दमयंती यादव ने भी उन्हें अपना स्नेहा शीश दिया। अपने बेटे हर्ष यादव के साथ अरुण यादव और सचिन यादव आस्था यात्रा के दौरान भक्ति के रंग में डूबे हुए नजर आए। पूर्व कृषि मंत्री और विधायक सचिन यादव ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति से ओतप्रोत इस आस्था यात्रा के मार्ग में आने वाले गांवों के लोग भी सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर पैदल चल रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा हर स्थान पर आस्था यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। शिव भक्ति से सभी आस्था यात्रियों को देवीय ऊर्जा मिल रही है। पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री अरुण यादव ने कहा कि जन कल्याण, खुशहाली और प्रकृति के संवर्धन और संरक्षण हेतु निकाली जा रही इस 6 दिवसीय आस्था यात्रा में भक्ति की बयार बह रही है। आस्था यात्री और मार्ग में आने वाले गांव के ग्रामीण शिव भक्ति से ओतप्रोत हैं। आज शुक्रवार को बोरावां से प्रारंभ हुई आस्था यात्रा सावदा और ओजरा होते हुए गोपालपुरा में दोपहर भोज के लिए विराम करने के बाद छोटी कसरावत होते हुए 14 किलोमीटर का सफर तय कर सायकाल को कसरावत पहुंची, जहां मुस्लिम समाज सहित विभिन्न संगठनों ने आस्था यात्रा का जोरदार स्वागत किया। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी हैं, जो निमाड़ के कद्दावर नेता भी माने जाते हैं, और अभी फिलहाल आस्था यात्रा निकाली, जिस यात्रा को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। हर छोटे छोटे गाँव में भी जिस तरीके से लोगों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया, तो भैया मैं पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से लोगों ने प्यार लुटाया है, यादव परिवार का क्या जादू है जो लोग आज भी इस तरीके से कोई जादू नहीं है, ये लोगों का प्यार है। बाबा भोलेनाथ का ये श्रावण मास का महीना है और हम सब श्रद्धालु उनके आशीर्वाद लेकर ही ये यात्रा का प्रारंभ हुआ था। आज 3रा दिन है और 7 तारीख को इसका समापन कठोरा में होगा, और सब ईश्वर की से प्रार्थना करने लिए निकले हैं कि जो देश की एकता अखंडता है, जो बापू ने हमको सबक सिखाया है, जो बाबू ने हमको कहा है कि देश की एकता अखंडता को कायम रखना है, उसी संकल्प को लेकर, पर्यावरण बचाने का संकल्प लेकर सारे श्रद्धालु निकले हैं। और जिस तरह से स्नेह प्यार सदैव इस क्षेत्र के लोगों को मिलता रहा है, पिताजी के ज़माने से मिलता रहा है, आज 30 साल से ऊपर हो चुका है, और सदैव क्षेत्र ने हर घड़ी हमारे साथ रहकर सम्मल प्रदान किया है, तो हम सब यही प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से कि देश में, प्रदेश में, हमारा निवारांचल में एकता, अखंडता, भाईचारा कायम रहे, पर्यावरण को दूषित करने से हम बचाएं। इसलिए आपने देखा होगा कि हर गांव में हम लोग पौधारोपण करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और एक अखंड भारत, एक मजबूत भारत बना रहे, कायम रहे, इसको लेकर, प्रार्थना को लेकर हम निकले हैं। आज आपकी एक और प्रार्थना, या भगवान शंकर ने एक और आपकी प्रार्थना पूरी की कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें राहुल गांधी जी के लिए जो फैसला आया है, वो हर कांग्रेसी के लिए बड़ा उत्साह का माहौल है। आज वो कहते कहावत है ना कि भगवान के घर में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है, और सच्चाई सदैव जीतती है, ध्यान रखिए, और जो सच की लड़ाई लड़ता है राहुल गांधी जी, देश के गरीब, दलित, आदिवासी, उन बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपने देखा कि 3500 किलोमीटर की पदयात्रा करके इस देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए राहुल जी निकले थे, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को, और मुझे कहते हुए बड़ी ताज्जुब होता कि देश के प्रधानमंत्री खुद उनको जो सच बात सदन में कहना चाहते हैं, जो देश की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए राहुल जी का निष्कासन वहाँ से किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके पक्ष में निर्णय दिया है। हम पुनः सर्वोच्च सदन में जाकर देश की एकता की, देश की भाईचारे की, देश की
नौजवानों की युवाओं की लड़ाई राहुल जी के माध्यम से लड़ते रहेंगे। भैया फिर एक दुखद घटना भी सामने आई है अभी फिलहाल में सिंगरौली की घटना, क्या कहेंगे क्या हुआ है प्रदेश को? देखिए ये प्रदेश अब गुंडों का प्रदेश हो चुका है और यहाँ पर हमारी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, हमारे नौजवान सुरक्षित नहीं हैं। कुछ दिन पहले सिंगरौली का घिनौना कांड आपने देखा किस तरह से एक आदिवासी युवक के साथ में घटना की गई। सिंगरौली में आज वहाँ के विधायक द्वारा एक आदिवासी नौजवान के ऊपर गोली चलाने का प्रयास किया गया। तो ये मुख्यमंत्री जी के राज में देश प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है और ये तो आप जानते हैं कि आज मध्य प्रदेश पूरे देश में बहनों की सुरक्षा के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के मामले में सबसे निचले स्तर पर है। तो ये प्रदेश किसी के लिए सुरक्षित नहीं आज के तारीख में। तो हमारी ये ईश्वर से यही प्रार्थना है कि एक ऐसी सरकार हम 2023 के विधानसभा चुनाव में बनाएं जो सबकी सरकार हो, जो गरीब की सरकार हो, दलित भाई की सरकार हो, जो नौजवान बेरोजगारों को रोजगार देने वाली सरकार हो, जो किसान हितैषी सरकार हो, ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में लाने का प्रयास हम लोग 2023 के चुनाव में करने वाले हैं। धन्यवाद। ये थे अरुण यादव जी जो दिन भर की थकान के बाद भी हमारे चैनल के लिए उन्होंने समय दिया। मैं जाहिद अजमेरी के साथ आकिल खान कसरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।